हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो लेसन है थ्रेडिंग बनाना, आईब्रोज बनाना, जो हमारे बिगनर्स हैं जिन्हें मतलब थ्रेडिंग एकदम नहीं आती है बनाना और अभी स्टार्ट कर रहे हैं थ्रेडिंग करना, तो आज मैं सिखाऊंगी कि किस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं आईब्रोज बनाना। और आईब्रो बनाना कोई इतना इजी काम नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो आज मैं बहुत इजी तरीके से आपको आईब्रोज बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि पहले स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे। अगर आपको थ्रेडिंग का धागा चलाना आ गया है तो पहले तो थ्रेडिंग का धागा चला जाता है, उसके बाद से आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। सो गाइस, आपको स्टार्ट करना है। पहले देखो आईब्रोज के जो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, एक मिनट दिखाती हूँ डम्मी का। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इधर से कहीं से स्टार्टिंग करो। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिड एरिया से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करोगे। फिर आर्ट शेप में देना चाहोगे तो ऐसे करके बनाओगे। फिर नीचे से भी यहाँ से पॉइंट शुरू करोगे, फिर यहाँ से पॉइंट लास्ट में इंड करना है। तो थ्रेडिंग पहले आपको डम्मी पे प्रैक्टिस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थ्रेड चलाना आना चाहिए, फिर उसके बाद से हाथ पे पैर पे आप थ्रेड निकालो, उसके बाद से आप डम्मी पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि डम्मी पे इजी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, आइडिया मिलता रहेगा कि किस टाइप से आपको एक शेप बनाना है। तो अगर आपको शेप सीखना है तो डम्मी पे सीखिए, बहुत इजी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। एक मिनट लाना जो की दिखाना। तो देखो पहले यहाँ से करेंगे हम लोग स्टार्ट। यहाँ थ्रेडिंग का धागा लगाओ, थ्रेडिंग आप स्टार्ट करेंगे डम्मी पर। अगर आप डम्मी पर प्रैक्टिस करेंगे तो इजी तरीके से आईब्रोज करना सीख जाएंगे। और देख सकते हैं कि किस टाइप से मैं अपने स्टूडेंट को बता रही हूँ कि आईब्रो कैसे बनता है। पहले ही स्टार्ट मत करिए किसी क्लाइंट के ऊपर या अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर थ्रेडिंग करना, कि किसी क्या होता है ना, हेयर निकलने का चांस होता है और कट लगने का भी डर होता है। तो पहले आप डम्मी पे प्रैक्टिस करेंगे तो इजी तरीके से आप आईब्रोज बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आईब्रो किस टाइप से बनाया जाता है। पहले थ्रेडिंग से आप देख सकते हैं, ये है थ्रेडिंग का धागा और इसको लूप बना लेंगे। लूप बनाना, कितने लूप बना, 6-7। हाँ 6-7 लूप बनाओगे। फिर उसके बाद से कैसे शेप बताया था मैंने, यहाँ से मिड एरिया, फिर यहाँ से शेप बनाना। तो एक बार यहाँ से ट्राई करो, एक बार फिर से। पहले ऊपर की साइड से प्रैक्टिस करते हैं, फिर नीचे से बनाना, डायरेक्ट नीचे से निकल। पहले हाँ, यहाँ के बाल होते हैं तो यहाँ से आराम से ऐसे खींचते हैं, धीरे धीरे करना। कुछ देखो यहाँ से पहले शुरू करते, मान लो यहाँ पे ये बाल है और आईब्रो ये है, तो आईब्रो के ऊपर से बनाएंगे ना, तो यहाँ से बाल निकालो। देखो यहाँ से बाल निकालो, धीरे धीरे ऐसे बाल निकालो। सो गाइज, स्टार्टिंग करना है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट्स ये होता है मिड तक और फिर लास्ट एंड। एक बार चलो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। सपोज दैट यहाँ पे ये हेयर है, फिर धीरे धीरे निकालो हेयर्स, और हेयर के जो हम लोग की आईब्रो बननी होती है उसके ऊपर से ही निकालनी होती है। अगर ये देखो यहाँ बन गया है तो नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे आएगा, यहाँ से हेयर निकालो आराम से। फिर दो, मतलब एक जगह पे दो दो बार रिपीट कर लो आप। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा टर्न होगा, हैंड का मूवमेंट थोड़ा सा टर्न होता रहेगा। करते रहो। हमेशा जब भी आईब्रो बनाओगे तो थ्रेडिंग एक लाइन से ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे करके स्ट्रेच करना है, फिर ऐसे करके स्ट्रेच करना है। जब भी आप थ्रेडिंग किसी का बनाओगे तो ऐसे क्लाइंट से ऐसे पकड़ाओगे और ये पकड़ाओगे, दोनों हाथ से वो थ्रेडिंग पकड़ लिया। अब जरा बनाना एक बार, प्रैक्टिस करना। मान लो सपोज ये थ्रेडिंग क्लाइंट ने पकड़ लिया अपना आईब्रोज, अब तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे देखो। हाँ गुड, ऐसे ही निकालना है आईब्रोज, ठीक है, आ गया ना समझ में। अब नीचे का जरा बनाना, नीचे का कैसे बनाओगे और क्लाइंट से प्रॉपरली स्ट्रेच कराओगे। ये नहीं कि लूज एकदम थ्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो ये कट लग जाएगा और ब्लड आता है और ये बहुत ईचिंग और पेन भी होता है। अगर देखो यहाँ पे जैसे जैसे जहाँ पे थ्रेडिंग करोगे वहाँ स्ट्रेच करना है। देखो यहाँ पे करना है तो हमें ये स्ट्रेच करना है, तो ये इजी तरीके से यहाँ पे हेयर्स निकालो। सो गाइज, देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बता रही हूँ थ्रेडिंग करना, आ रहा समझ में। देखो ऐसे ही आपको आईब्रो की प्रैक्टिस करनी है डम्मी पे, और इससे इजी तरीके से आप घर पे भी किसी पर भी प्रैक्टिस करते हो। अब ऊपर का हो गया, अब आईब्रो के आपको नीचे यहाँ से शुरू करना है। समझो ये आईब्रो बनी हुई है और यहाँ से आपको धीरे धीरे बाल निकालना है। हाँ यहाँ से करो, यहाँ धीरे धीरे से बाल निकालना है।
कोई स्पीड में मत करो, बस धीरे धीरे एक एक बाल निकालते रहो। इससे क्या होगा, डम्मी पे प्रैक्टिस होती रहेगी और इजी तरीके से आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आईब्रो की हेयर निकालना है। तो आईब्रो की अगर प्रैक्टिस करनी है तो डम्मी पर आप ज़रूर करें प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे से आईब्रोज़ के हेयर्स इजी तरीके से निकाल ले रहे हैं और ऐसे करते करते ये आईब्रोज़ बना सकती हैं। सो प्लीज़ गाइस, जो हमारे बिगनर्स हैं, बहुत इजी तरीके से आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आईब्रोज़ भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आईब्रो किस तरीके से बन जा रही है और हेयर्स निकालना हो तो किस टाइप से आप निकालने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। डम्मी लेना ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस आप उसी पे ही कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी क्लाइंट पर नहीं कर सकते, ना ही किसी फैमिली मेंबर में, क्योंकि आईब्रो इतनी डेलिकेटेड चीज़ें होती है कि अगर एक बार हेयर रिमूव हो गया, निकल गया, तो वो ख़राब हो जाता है। सो दैट अब यहाँ पे तो बन गया ये आईब्रो, मतलब ये बैक साइड में होता है। मान लो ये वाली आईब्रो तो फ्रंट से बनती है, तो इसकी फ्रंट पे ही प्रैक्टिस की जाती है। ये वाली जो साया होती है ये बैक साइड से होती है और ये वाली जो थ्रेडिंग बनती है ये फ्रंट से। तो फ्रंट पे अगर डम्मी पे प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करोगे, ये फ्रंट से ऐसे लेके गए, देखो फ्रंट पे कैसे करते हैं। अब यहाँ का हेयर्स यहीं जैसे सेम यहाँ बताया था वैसे ही आपको ये भी करना है। तो यहाँ से आप ले जाओगे, हाँ यहाँ से ले जाओ, धीरे धीरे निकालो, बस आपको धीरे धीरे ही हेयर्स निकालने हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस होती जाएगी। सो गाइस, पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है या सीखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और बहुत इजी और सिंपल तरीके से आपको सिखाती हूँ और बताती हूँ। और ये सारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल वाली वीडियो हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से थ्रेडिंग करना, फेशियल करना, मतलब पार्लर से रिलेटेड बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ वॉच माई YouTube चैनल वीडियोस, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और देख सकते हैं कि आईब्रोज बनाने का बहुत इजी तरीका आपको सिखा रही हूँ। देख सकते हैं ऐसे ही आपको सब ऐसे ही निकालने सारे बाल, और बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोते रहोगे। अब ऐसे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ बाल निकालने, मान लो यहाँ बाल होते तो ऐसे करके निकालना है, हाँ, कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं मतलब निकालो, यहाँ से ही स्टार्ट करो नीचे से, और यहाँ से स्टार्ट करो ऊपर से, फिर ये आता है कॉर्नर, फिर कॉर्नर से थोड़ा सा टर्न करना होता है, मतलब थ्रेडिंग का धागा ऐसे डाउन चला जाता है, तो ये आर्च में बन जाता है और इधर से भी आर्च। तो ऐसे समझ में आता है कि हमें कैसे शेप बनाना है। और अगर ये मिड वाला है तो मिड वाले में कैसे करना है, फ्रंट से नहीं करना, ये करना है बैक साइड से। दिखाना बैक साइड से कैसे करना, ये यहाँ पे थ्रेडिंग स्ट्रेच, और यहाँ पे अब करो क्रॉस वाला, हाँ ये बीच में, ये बीच के बाल होते हैं ना, इन दोनों को गैप ज्यादा नहीं करना होता है, और धीरे धीरे थोड़े थोड़े से बाल निकालना होता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थ्योरी भी समझ में आई होगी, ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करती रहूंगी। बस आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप धागा चलाना सीखिए, फिर हेयर निकालना है तो हाथों पे और बालों के हेयर निकालिए, फिर आप डम्मी पे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करिए। डम्मी पर प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया मिलता रहेगा कि आईब्रोज के हेयर कैसे निकाला जाता है और कैसे शेप बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर शेप सीखना है तो डम्मी पर पहले प्रैक्टिस करिए, आई एम श्योर आपको ज़रूर आ जाएगा आईब्रोज बनाना।